अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में हम मलहून हातून और फातिमा हातून के टॉप 5 सीन्स के मुतालिक बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फातिमा मलिक हातून वो लड़की थी जो उस्मान गाजी की इकलौती बेटी थी और वो मलहून हातून की बेटी थी। और फातिमा हातून सल्तनत उस्मानिया की सबसे पहली शहजादी थी और वो उस्मान गाजी की सबसे लाडली औलाद थी, क्योंकि वो इकलौती थी और उसके बहुत से भाई भी थे, मगर उसके बावजूद उस्मान गाजी का रुझान और मोहब्बत जितनी फातिमा की तरफ थी उतने बाकी बच्चियों की तरफ नहीं थी। उनका लगाव फातिमा की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और मलहून हातून का भी फातिमा से काफ़ी ज़्यादा गहरा रिश्ता है। उसकी शरारतों और उसकी नटखट हरकतों को देख कर मदाब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आज हम मलहून हातून और फातिमा के उसी तरीके के टॉप 5 सीन्स के मुतालिक बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 5 की तरफ। जब कार कबीले में फातिमा हातून की एंट्री करवाई गई थी तो वो एंट्री यकीनन बहुत ही कमाल की एंट्री थी, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद फातिमा हातून और मलहून हातून एक दूसरे से मिल रही थी। उस वक्त मलहून हातून बहुत ज़्यादा खुश थी, वो भाग कर गई और उन्होंने फातिमा हातून को अपने गले से लगाया था। वो बहुत खुश थी कि उनकी बेटी फातिमा वापस आ चुकी है। तो ये सीन भी यकीन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सीन था। तो आइए देखते हैं कि ये सीन क्या है। आते हैं नंबर 4 की तरफ। आप लोग जानते हैं कि फातिमा की अपने भाइयों की तरह हमेशा ये ख्वाहिश रही थी कि वो जंगों में हिस्सा ले, घुड़सवारी करे, तीरंदाजी सीखे और तलवारबाजी करे, मगर उस वक्त वो कम उम्र थी और ना तो वो असली तलवार उठा सकती थी, ना ही घुड़सवारी करने के काबिल थी, ना ही तीरंदाजी कर सकती थी। तो ये बिल्कुल नामुमकिन था कि उस्मान गाजी उसे जंग में लेके जाते, मगर उस्मान गाजी उसे पूरे तरीके से वक्त भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस्मान गाजी जंगों और मुख्तलिफ किस्म की जद्दोजहद में इतने मसरूफ थे कि उनके पास ये वक्त नहीं था। तो इस वजह से फातिमा हातून उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी थी और उस दौरान मलहून हातून ने उन्हें दिलासा भी दिया था, उन्हें गले भी लगाया था और उनको बोसा भी दिया था। तो ये सीन भी यकीन काफ़ी खूबसूरत सीन था कि अपने वालिद की गैर मौजूदगी पर किस तरह मलहून हातून उनको समझा रही थी और दिलासा दे रही थी। और इसी तरह जब उस्मान गाजी उनके साथ वक्त निकाल कर बैठी भी थी तो तभी उस्मान गाजी को एक पैगाम पहुँचा और यकीन उस वक्त भी उस्मान गाजी को अपने सिपाहियों को दस्तरखान से उठने का हुक्म देना पड़ा, जिसको देख कर फातिमा हातून काफ़ी ज़्यादा मायूस हुई और दुखी भी थी, मगर मलहून हातून ने उनको ये दुखीपन दूर कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि ये सीन क्या है। अब हम आते हैं उस सीन की तरफ जब फातिमा हातून चुपके से मलहून हातून की जो गाड़ी थी उसमें छुप गई थी और बाद में जब मंगोलों ने उन पर हमला कर दिया तो वो सामने आ गए। नयमान ने उसे देख लिया था और नयमान फातिमा हातून पर हमला करना चाहता था। तो मलहून हातून उस वक्त फातिमा को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, वो उससे लड़ भी रही थी दुश्मनों से, साथ ही साथ वो फातिमा की तरफ भी देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि वो दुश्मनों को नहीं रोक पा रहे क्योंकि तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और नयमान काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फातिमा की तरफ बढ़ रहा था, तो उन्होंने फ़ौरन से ये चलाना शुरू कर दिया कि फातिमा यहाँ से भाग जाओ। उस वक्त वो ज़ख्मी भी हो गई, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मगर फिर भी वो जितना लड़ सकती थी वो लड़ रही थी ताकि उनकी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचाए और उनकी बच्ची महफूज रहे, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। और इसी कोशिश के दौरान वो फातिमा की तरफ चिल्ला रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो आइए देखते हैं कि ये सीन क्या है। अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। जब उलझन हातून की जयकुदाई से शादी हो रही थी तब तमाम औरतों ने मिलकर फातिमा हातून को
तंग करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्द उसका एक नया भाई आ रहा है और पहले से हलीमा भी मौजूद है, तो यकीनन फातिमा खातून की अहमियत उनके खानदान में कम हो जाएगी, सहर कोई फातिमा को भूल जाएगा। तो फातिमा खातून एक छोटे बच्चों की तरह बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि कहीं सच में मेरे वालिदैन मुझसे प्यार कम ना कर दे। तो उस वक्त मलहून खातून ने उससे प्यार भी किया था, उसे गले भी लगाया था ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। तो आइए देखते हैं कि वो सीन क्या है। अब हम आते हैं नंबर वन की तरफ। मलहून खातून ने फातिमा से कहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, वो जंगल की तरफ भाग निकली थी, मगर उसी वक्त नायमान भी उनके सिपाहियों को मारकर अपने सिपाहियों के साथ उसके पीछे पर लग पड़ा था। मलहून खातून उस वक्त काफी ज्यादा जख्मी थी, उनके पाँव पे जख्म था, इसी वजह से वो लड़खड़ाती हुई आ रही थी। लेकिन उसी वक्त बाला खातून वहाँ पर आई, उन्होंने नायमान के सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए और उस वक्त उन्होंने फातिमा को बचाया। और मलहून खातून बेशक लड़खड़ाई क्यों नहीं रही थी, वो पूरी कोशिश करते हुए जंगल से चलती हुई वहाँ पहुँच गई। जब उन्होंने देखा कि फातिमा बिल्कुल ठीक है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, उन्होंने फातिमा को अपने गले से लगाया, बार बार उसके हाथ भी चूमे, उसके हाथ में जख्म भी हो चुका था, मगर उसके बावजूद भी मलहून खातून खुश थी कि वो नायमान जैसे दरिंदे के हाथ नहीं लगी। यकीन ये सब अल्लाह का किया धरा था कि वो उनसे बच चुकी थी और उन्होंने उसका जरिया बाला खातून को बनाया था। तो आइए देखते हैं कि वो सीन क्या है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, यकीनन आपको ये सीन देखकर मजा आया होगा और यकीनन इसके मलहून फातिमा खातून के अभी और भी बहुत से सीन मौजूद हैं, तो इसका पार्ट टू भी बहुत जल्द मेरे चैनल पर आ जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।